तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये दो तरह से होते हैं, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। सिर्फ एवरेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। एवरेज स्पीड की बात करेंगे हम लोग तो दैट इज़ टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है। दोनों में मैंने डिफरेंस भी डिस्कस किया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे बात करें अगर एवरेज की, तो जैसे कोई मान लो 9 बजे स्टार्ट करता है मोशन और वो पहले 10 मिनट तक वो मान लो 40 की स्पीड से चल रहा है, फिर अगले 20 मिनट वो 60 की स्पीड से चला, फिर वो 20 की स्पीड से चला, तो पूरे जर्नी में टोटल वो कितना चला और टोटल कितना टाइम लगा, दैट इज़ एवरेज। और अगर कोई ये पूछे कि 9:15 उसकी स्पीड क्या थी, तो दैट इज़ इंस्टेंटेनियस। तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होता है, स्पीड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंट। इसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग मॉड्यूल से जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों पे रहेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि वी एवरेज इज डेल्टा ऑफ एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स जो है वो टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है और डेल्टा टी टोटल टाइम टेकन है। अब हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है बिल्कुल पार्टिकुलर किसी टाइम पे। जैसे मान लो कि वो हम बात कर रहे हैं कि 2 सेकेंड पे हमें बताना है कि कितना हमारा स्पीड है। तो स्पीड तो या वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो वही रहेगा। लेकिन अब हमारा जो है ये जो डेल्टा था जो हम पूरे जर्नी का ले रहे थे, अब वो पूरे जर्नी का नहीं लेकर के हम क्या लेंगे, बहुत ही उस स्मॉल चेंज उस टाइम पे इंस्टेंट पे देखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि 2 सेकेंड टाइम से लेकर के 2.0001 इतने, इससे भी छोटा अगर हम बात करें, बहुत ही स्मॉल उस ड्यूरेशन में कितना उसमें पोजीशन में चेंज आया और कितना हम लोग उसका, जैसे जो व्हीकल में शो करता है कि 40 की स्पीड से चल रहा है, 30 की स्पीड से चल रहा है, तो वो क्या करता है, इंस्टेंटेनियस बताता है। तो आपको बेसिकली ये डेल्टा को क्या करना है, बहुत ही स्मॉल करना है। जो आपका ड्यूरेशन है कैलकुलेशन का, हम एवरेज निकालें या इंस्टेंटेनियस निकालें, दोनों ही स्पीड या वेलोसिटी में क्या है, दोनों में ही आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करना है। बस उस समय जो ड्यूरेशन है जब एवरेज निकालते हैं, तो वो ड्यूरेशन क्या है, पूरे जर्नी का है, पूरे टाइम का है। और यहाँ पे जो होगा वो डेल्टा शुड बी वेरी स्मॉल किसी पार्टिकुलर टाइम पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो वी इंस्टेंटेनियस होगा इज लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, बहुत ही स्मॉल, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, राइट। अब डेल्टा को बहुत ही स्मॉल करते हैं तो क्या बनता है, डी बनता है डिफरेंशिएशन। सो वी इंस्टेंटेनियस इज डी एक्स बाई डी टी, राइट। तो ये है हमारा इंस्टेंटेनियस। डेल्टा को अगर टेंस टू जीरो किया तो वो क्या बनेगा, डी बनेगा, वेरी स्मॉल, डी मतलब वेरी स्मॉल चेंज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। ठीक है, ये एक पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हैं, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या ये dx जो कि वेरी स्मॉल चेंज है, उस स्मॉल चेंज में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या दोनों सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि हम बिल्कुल ही छोटा ले रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का होगा, चूँकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन एक मैटर करेगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो इधर जा रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो रेस्ट में है और तीसरा पर्सन जो है वो इधर जा रहा है। तो इसका अगर हम लोग बात करें कि वेलोसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो, और इसका वेलोसिटी क्या हुआ, पॉजिटिव।
ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की तुलना करेंगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपेरिजन करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी चूँकि वेक्टर है, तो उस केस में जो है हमारा वेलोसिटी के साथ क्या आएगा, हमेशा साइन आएगा, प्लस पॉजिटिव और निगेटिव, जबकि स्पीड के साथ ऐसा नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब स्पीड में तो हमारा प्लस माइनस नहीं आएगा, स्पीड में तो प्लस माइनस नहीं आएगा, किस में आएगा, वेलोसिटी में आएगा। तो उसको हमने मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया तो साइन खत्म। तो अब हम ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि स्पीड विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के लिए, क्योंकि दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्योंकि हम ड्यूरेशन ही बहुत स्मॉल ले रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में तो ऐसा कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क नहीं आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आपका जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। अब एवरेज के बारे में सोचते हैं, तो एवरेज जब लेते हैं तो उसमें क्या हम लोग लेते हैं, टोटल डिस्टेंस लेते हैं या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो क्या टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, बड़ा होगा बिल्कुल, क्या हमेशा बड़ा होगा, नहीं, इक्वल भी हो सकता है। तो फिर जब हम लोग एवरेज की बात करेंगे, एवरेज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कंपैरिजन, ओके, कब बड़ा होगा, जो कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी किया, हमने तो एक ही डायरेक्ट लिख दिया, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू, लेकिन स्पीड में या वेलोसिटी में हमने जो कंपैरिजन किया वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं या फिर इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिफरेंस ये होगा कि वेलोसिटी में डायरेक्शन आता है तो पॉजिटिव और निगेटिव आ सकता है, जबकि स्पीड में हम लोग बात करें तो उसका सिर्फ मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ओके, सॉरी, मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन से दैट कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो ये है कंपेरिजन एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आया जो कि इंपॉर्टेंट है, v इंस्टेंटेनियस इज dx by dt, और s से अगर डिनोट करेंगे तो ds by dt, है ना, कई जगह आपको बुक में दिखेगा ds by dt, उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। s और x इज डिस्टेंस ही है वो या डिस्प्लेसमेंट ही है, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की कोई नहीं है। तो अब आपने जो पढ़ रखा है, मैंने पहले ही बोला था कि प्री रिक्विजिट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो यहाँ से जो है x को, डिस्प्लेसमेंट को या पोजीशन को या डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड मिलेगा। सो v इंस्टेंटेनियस इज d ऑफ x बाई dt। सो dx क्या हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस को हम लोग v ही ले लेते हैं, v dt, डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन, एंड सो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा x, एंड इट इज v ऑफ dt। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, v इज dx बाई dt एंड डेल्टा x इज v dt। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। अब अगेन जो ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं, जिस भी टाइम लिमिट के लिए आपको निकालना है कि जैसे 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो 1 to 5 कर देंगे वो इंटीग्रेट टाइम लिमिट दे करके। तो ये हमने डिस्कस किया अभी तक इंस्टेंटेनियस के बारे में।
दो जो कल हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे वी एवरेज के बारे में, वी एवरेज आया था 2V1V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये कब आया था? जब डिस्टेंस इक्वल था और V1 प्लस V2 बाई 2 आया था जब हमारा टाइम जो था, टाइम फॉर V1 एंड V2 आर इक्वल। ये था हमारा एवरेज के बारे में, या फिर एक मेन फॉर्मूला है वी एवरेज का, दैट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस की हम लोग बात करें तो dx बाई dt, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। सो अभी तक जो हमने किया हुआ है ये है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इफ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v गिवन है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 2 सेकेंड। v दिया हुआ है तो सबसे पहले ये देखना है कि ये v जो है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, राइट। और आपको निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपॉन टोटल टाइम चाहिए। आपको वेलोसिटी दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी कोई कांस्टेंट तो नहीं है कि आप डायरेक्टली वेलोसिटी इनटू टाइम करो तो आपको मिलेगा। तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और आपको क्या निकालना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सो डेल्टा एक्स विल बी वी ऑफ डी टी। किस ड्यूरेशन में निकालना है आपको? 1 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में। तो 1 to 2 विल इंटीग्रेट, सो टी क्यूब प्लस 2t टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t 4 बाई 4 प्लस 2t² बाई 2 1 to 2 कैंसिल। अब वैल्यूज रख देंगे हम लोग, इसमें 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 विल बी 16 बाई 4 4 एंड अगेन ईयर 2² 4 तो 4 4 8 माइनस, जब 1 रखेंगे तो ये 1 बाई 4 और इधर 1 रखेंगे तो 1, तो ये कितना हो गया? 32 माइनस 28 माइनस 27 बाई 4। सो ये जो हमारा डेल्टा एक्स हमें मिला वो कितना मिला? 27 बाई 4, ठीक है। इतना हुआ आपको, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने? 1 से 2 सेकेंड में। अब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या है? एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो कितना हो गया टोटल? कितना हुआ टोटल? चला कितना टोटल? कितना चला टोटल? चला ये 27 बाई 4, और कितने टाइम में? तो 1 से 2 सेकेंड। कितना ड्यूरेशन कितना हुआ? 1 सेकेंड। सो 27 बाई 4 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, फॉर द रेस्ट ऑफ जर्नी इट ट्रेवल्स विथ स्पीड v2 फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम विथ रिस्पेक्ट विथ स्पीड v3 द रेस्ट। तो एवरेज बताना है इस पूरे। आप क्वेश्चन से आपने क्या समझा कि वो पूरे जर्नी को, ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ओरली, ये अब ये लैंग्वेज के फॉर्म में, यहाँ से यहाँ तक जाता है वो, इसके आधे डिस्टेंस तक वो कितने के स्पीड से चलता है? v1 के स्पीड से चलता है। और जो सेकेंड हाफ है उसमें इक्वल टाइम है, इसी पॉइंट लेते हैं, c2b के लिए v2 और v3 दोनों को इक्वल टाइम ट्रेवल करता है, जो भी टाइम लगता है c2b जाने में, जो भी टाइम लगता है उसमें आधे टाइम तक v2 से चलता है, आधे टाइम तक v3 से चलता है। तो इस पूरे जर्नी का आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इसका एवरेज निकाल लें। इसका एवरेज क्या हो जाएगा? v एवरेज ऑफ सेकेंड हाफ
वी टू प्लस वी थ्री बाई टू, क्योंकि टाइम इक्वल है। अब सी बी और ए सी डिस्टेंस इक्वल हो गया। अब जब डिस्टेंस इक्वल हो गया तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फिर लगाएंगे हम लोग टू वी वन वी टू। सो टू वी वन और वी टू की जगह पे क्या आ गया? वी टू प्लस वी थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस, सो टू एंड टू गेट कैंसिल। यहाँ से टू आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। सो टू वी वन वी टू प्लस वी थ्री और डिवाइडेड बाई सो ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में न तो डायरेक्टली आपको ये गिवन था कि इक्वल डिस्टेंस है, नहीं ये गिवन था कि इक्वल टाइम है। बट इसमें आधे डिस्टेंस के लिए वो वी वन से चला, और आधे डिस्टेंस में जितना टाइम लगता है उतने में आधे टाइम के लिए वी टू से चल रहा है, आधे के लिए वी थ्री से चल रहा है। तो फिर वो टोटल जर्नी का आपको एवरेज बताना है। तो पहले हमने सेकेंड हाफ के लिए निकाल लिया एवरेज, फिर इन दोनों के लिए इक्वल डिस्टेंस है तो इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया। इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड वी वन एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड वी टू, एवरेज। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम हो गया तो फॉर्मूला कौन सा होगा? टू वी वन वी टू।